टोहाना के संगम वर्ल्ड बैंक में लगाया गया रक्तदान कैंप। यंग वर्ल्ड संस्था के द्वारा लगातार रक्तदान कैंप लगाकर जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। इसी के चलते टोहाना के संगम वर्ल्ड बैंक में यंग वर्ल्ड संस्था के द्वारा एक बार फिर रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में रक्तदाताओं ने पहुंचकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। आपको बता दें कि यंग वर्ल्ड संस्था लगातार जहां कोरोना के समय में भी लोगों के लिए मददगार साबित हुई, वहीं अब भी निरंतर सेवा रक्तदान के क्षेत्र में दे रही है। वहीं यंग वर्ल्ड संस्था के द्वारा एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की जा चुकी है। वहीं एक बार फिर आज सोमवार को यंग वर्ल्ड संस्था के द्वारा संगम वर्ल्ड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें समाजसेवी नरेश बंसल भी पहुंचे। उन्होंने भी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया व यंग वर्ल्ड संस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि यंग वर्ल्ड संस्था आज नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में अहम योगदान दे रही है, और उनके सब सदस्यों को वो शुभकामनाएँ देते हैं ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की सेवा करते रहें। आपको बता दें, टोहाना में थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों के लिए संस्था के द्वारा लगातार रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में रक्तदान जो था वो कम हो गया था, जिसके चलते रक्त की कमी टोहाना में हो गई थी। लेकिन यंग वर्ल्ड संस्था के द्वारा लगातार कैंप लगाए गए, कोरोना के समय में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वह कोरोना नियमों के पालन करते हुए कैंप लगाए गए लगातार। यंग वर्ल्ड संस्था के कुलदीप ने बताया कि उनका मकसद रक्तदान करवाना है ताकि रक्त की कमी से किसी की जान न जाए। आज विश्व रक्तदाता दिवस और हमारी संस्था को 4 वर्ष हो गए हैं पूरे, तो इस उपलक्ष्य में हम हर साल विश्व रक्तदाता दिवस और अपने फाउंडेशन डे पर रक्तदान कैंप लगाते हैं। और अब की बार कोरोना महामारी के दौरान और लॉकडाउन के दौरान जैसे खून की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी, इसकी पूर्ति के लिए रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है। तो कितने हमारा ये है, जितना 50-60 यूनिट के आसपास जितना हो जाए और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए वो पूर्ति हो सके। ट्रस्ट जो संस्था है, आज इन्होंने ब्लड डोनेट कैंप लगाया है, मैं इनको बधाई देता हूँ। समय समय पर ये ब्लड डोनेट कैंप लगाते रहते हैं, जो कि प्लाज्मा के पेशेंट हैं उनको काम आता है। संगम में बार बार ये हम तो इनको बधाई देते हैं बार बार कि ये ऐसा काम करें ताकि समाज के काम आए और समाज के लोग स्वस्थ रहें। और ब्लड देने से, सब भाइयों से ये भी कहता हूँ, जो ब्लड देने के इच्छुक है या जो सक्षम है वो ब्लड दे, ताकि दूसरे मरीज की जान बचाई जा सके। जो से संस्था है ये बहुत ही सामाजिक संस्था है, बढ़िया। इन्होंने शहर में कोरोना के टाइम में भी और समय समय पर ये बहुत सराहनीय कदम करते हैं, शहर में काम करते हैं। जैसे ये एम्बुलेंस चलाते हैं, कोई आदमी अगर किराया भी नहीं देना चाहता तो उसको भी फ्री लेके जाते हैं, समाज की सेवा में लगे रहते हैं सारी संस्था। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं कहना चाहूँगा कि हर युवा वर्ग को इस नेक कार्य में आगे आना चाहिए, ताकि जो जरूरतमंद लोगों को जो है इस हमारे ब्लड की वजह से जो जान बचाई जा सके उनकी। और मैं सराहना करता हूँ जो यंग ब्लड जो सोसाइटी है टोहाना की, जो समय समय पर ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, और इससे जो है युवा वर्ग को हमें भी काफ़ी प्रेरणा मिली है, हम भी आगे मोटिवेट करते हैं, और जो भी हमें साथी मिलते हैं कि आप को ब्लड डोनेट अवश्य करना चाहिए। रक्तदान कर चुके हैं, क्या संदेश देंगे जो लोग रक्तदान नहीं करते? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान करने में हमारा कोई भी लॉस नहीं है, ये सबसे बड़ा दान मतलब रक्तदान ही है। तो मेरे को ये प्रेरणा मिली थी, मैं चंडीगढ़ स्टडी करता था तो मैं अक्सर PGI में जाता रहता था, और वहाँ जो ट्रोमा सेंटर था तो वहाँ पे हर 2 मिनट में एक एम्बुलेंस आती है, और हर एक पेशेंट को कम से कम 4 या 5 यूनिट की ब्लड की ज़रूरत होती है। लेकिन यही है कि लोग डोनेट नहीं करते तो पेशेंट को बहुत मुश्किल होती है, तो मेरे को वहाँ से प्रेरणा मिली थी कि हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो पहले कितनी बार कर चुके हैं? पहले 6 बार कर चुके हैं, 7वीं बार आ गया। मैसेज देना चाहेंगे रक्तदान के लिए? अच्छी है जी, मेरे साथ अच्छी बात है जी, ब्लड दान करना किसी के काम आए। तो पहले भी यही सोचते थे, पहले हम डेरा 10 करते थे तो वहाँ नहीं जा पाते, तो अब हम आज बार ज़्यादा करते हैं, जो दम्बा ब्लड बैंक से ही आ गए।